तो अगर आपके पास भी एक नया स्पीकर है और वो कनेक्ट नहीं हो रहा टीवी से, मे बी उसका कुछ कनेक्टर जो है आरसीए वाला वो रेड और वाइट केबल से हुआ है, या आपके टीवी में हेडफोन जैक नहीं है, या टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, या इवन स्पीकर में ब्लूटूथ नहीं, जो भी वजह है, अगर आप चाहते हैं कि आपका 5.1 स्पीकर या इवन 2.1 स्पीकर आपके टीवी से कनेक्ट हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक्सप्लेनेशन। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये है मेरा सैमसंग का न्यू 6100, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पीछे मेरे पास FND 3800X है, जो कि यहाँ कोने में दुबका हुआ है। कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, मुझे असली में इस टीवी को वॉल माउंट कराना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मत बोलना ये क्या किया हुआ, क्या गन डाली हुई है। एनीवेज, तो ये मेरा सिस्टम है और यहाँ पे जो FND 3800X है वो सपोर्ट ही नहीं करता, यहाँ पे हेडफोन जैक को सपोर्ट करता है, बट इस टीवी में हेडफोन जैक नहीं है, और वो RC का सपोर्ट करता है, उस टीवी में वो भी नहीं है, और ना इस टीवी में ब्लूटूथ है जो कि ये सपोर्ट करता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं इस FND 3800X को कैसे कन्वर्ट करूँ कि वो कनेक्ट हो जाए हमारे टीवी के साथ। अभी स्विच बंद है तो इसलिए ऑन नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया है, मैंने दो चीज़ें खरीदी, तो ऑब्वियसली आपका खर्चा होने वाला है अराउंड 600 से लेकर 2000 के बीच में। तो जो दो चीज़ें मैंने खरीदी इसको कन्वर्ट करने के लिए, पूरा कनेक्ट करने के लिए, वो ये थी, एक तो ये एक था कन्वर्टर, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने फियो वाला लिया है और ये आपको अमेज़ॉन पे 1800 के अराउंड मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो 15 जुलाई 2019 से पहले देख रहे हैं तो प्राइम डे सेल आने वाली है, उसमें भी चेक कर लेना क्या तक कम हो जाए प्राइस। तो ये चीज़ आपको लेनी पड़ेगी जो आपको 1800 रुपये की मिलेगी, जिसमें आपको ये पूरा सेटअप ऐसे देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको ये अमेज़ॉन की बेसिक्स SPDIF केबल मिल जाएगी, और ये सब चीज़ें नीचे लिंक में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनका। तो अगर आप जानना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं चीज़ें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएंगी। इस चीज़ का ये जो फियो वाली है, इसका आपको थोड़ा सस्ता वेरियंट भी मिल जाएगा, और मैं नहीं रिकमेंड करूंगा वैसे वो, बट अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप वो ले सकते हैं, बट उसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे कि वो चलते चलते बंद हो गया या चला ही नहीं कभी, तो आप अपने रिस्क पे लीजिए। एनीवेज, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको दो RCA इनपुट मिलते हैं, ये रेड और वाइट वायर। अगर आपका स्पीकर पुराना है जो सिर्फ यही सपोर्ट करता है, तो ये रेड और वाइट वायर आप इसके साथ लगा सकते हैं, और आपको स्पीकर के बैक एंड पे तो लगानी ही है ये रेड और वाइट वायर। और उसके बाद आपको जो SPDIF केबल आपने ली है वो यहाँ पे आपको लगानी है इसके साथ, साथ में आपको यहाँ पे ये पावर कनेक्शन लगाना है, तो ये केबल आपको साथ में ही मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के इस कन्वर्टर के साथ में ही मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देखते हैं मैंने SPDIF केबल जो है वो यहाँ लगा दी हुई है, मतलब इसको हम ऑप्टिकल केबल भी कहते हैं, और साथ में यहाँ पे नीचे USB लगाया हुआ है जो सीधा कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल केबल यहाँ पे कनेक्टेड है, और साथ में उसका पावर सोर्स कनेक्टेड है, और ये जो दो वायर्स है ये पीछे स्पीकर से कनेक्टेड है, और ये जब मैं कनेक्ट करके ऑन करता हूँ तो हमें टीवी में सेटिंग करनी पड़ती है PCM में। अगर आपका डॉल्बी टीवी है तो वो सपोर्ट नहीं होगा इसमें, और आपको PCM में करना पड़ेगा, और शायद आपको ट्रू 5.1 ना मिले, थोड़ा बहुत 5.1 का इफेक्ट आ जाता है, मैं भी ऑडियो सैंपल सुनाऊंगा आपको, तो थोड़ा बहुत 5.1 का इफेक्ट आ जाता है, पर वो ट्रू 5.1 नहीं होगा। तो अगर आपको कनेक्ट करना है, आपका टीवी कनेक्ट नहीं होता स्पीकर से, तो ये तरीका है। ओके, तो मैं अभी आपको अपने टीवी पे सेटिंग करके दिखाऊंगा, आपके टीवी पे डिफरेंट हो सकती है, मेरे टीवी पे ऐसे होती है कि मैं साउंड पे जाता हूँ, साउंड में जाके मेरे में तो एक्सपर्ट सेटिंग है यहाँ पे, बट आप में एडवांस सेटिंग या कुछ और हो सकता है, और वहाँ जाके मुझे यहाँ पे जो डिजिटल आउटपुट ऑडियो फॉर्मेट है उसको PCM सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल भी है, डॉल्बी डिजिटल प्लस भी है, मेरे में ये दोनों नहीं चले क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता डॉल्बी डिजिटल, तो PCM करेंगे तभी आपकी आवाज़ यहाँ टीवी में आएगी। अब हम थोड़ा डेमो देख लेते हैं। तो मैंने अभी ये रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक सेलेक्ट किया और ये मैं आपको सुना देता हूँ, आवाज़ तो आ रही है यहाँ पे। तो अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे स्पीकर, और स्पीकर से भी आवाज़ आ रही है, तो सामने से तो ऑब्वियसली आवाज़ आएगी, तो सुन लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़े साइड स्पीकर्स की तरफ। तो ये बैक स्पीकर है एक, और मैं इसकी अभी आवाज़ सुनाऊंगा, और ऐसे मतलब आपको प्रॉपर इफेक्ट तो नहीं आएगा बट एक काफ़ी हद तक इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो सुनिए। आई होप आपको आवाज़ आ चुकी होगी, और
ये मेरा पूरा स्पीकर सेटअप अभी सेट नहीं हुआ है, तो ये ऐसे टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, बट आपको आइडिया मिल गया होगा कि स्पीकर से आवाज़ आ रही है। तो अभी ये नेटफ्लिक्स है और इसमें थोड़ी बेटर मतलब 5.1 सराउंड देखने को मिलती है। अगेन ये प्रॉपर प्योर 5.1 नहीं होगा, बट काफ़ी बेटर है फिर भी। तो अभी मैं लगा रहा हूँ, आप सुनिए। We never had to suffer that, you and I. We started in the middle, looking forwards. तो आपको अभी शायद पता ना चल रहा हो, बट ये काफ़ी हद तक एक 5.1 का इफेक्ट दे देता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ये सपोर्ट करता है। तो अगेन ट्रू 5.1 नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट मिल जाता है और स्पीकर, एटलीस्ट स्पीकर चल जाते हैं यहाँ पे। बस यही था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपना स्पीकर अब सेटअप कर सकते हैं। अगेन आपको लिंक सारी की सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए कि प्रोडक्ट्स आपके पास आए। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और फाइनली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे और ऐसे टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स भी मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।